खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा ज्योत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलांच विराजमान गुरु प्यारी सात संगत गुरुदेव जी दे मंजे सिर ते मरामत मई रखे हाथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन दी जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया सतगुरु जी दी अथाह मेहर करके सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर पातशाह जी दे पावन हुक्मनामे आपने झोली च पवाए हन कुछ समा होर महिमा दे मालक मेरियां पीरियां दे दाते दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी साहिब गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे मुबारक जीवन दियां झलकां अमृत जीवन कथड़ियां राहीं गुरु इतिहास विचार गुरु दीदार दी प्राप्ति करा सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पए इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिआ है ते साहिब जीआं ने मेहर भरिआ हथ साडे सिर ते रखिआ होइआ गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होइआ गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदिआं इतना प्रेम सहित आप जी ने सरवण किया कि कलयुग दे खेवट गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने अपने दस्ते मुबारक नाल मंगवाए हुए चंदन दी चिखा तैयार करके ते अपने साहिबजादे बाबा अटल राय जी दे शरीर दा संस्कार कीता फिर इस ढंग नाल बाणी दा कीर्तन होया रबाबियां ने शब्द गाए और गुरु कीआं संगतां ने शिरकत हासिल कीती। गुरु घर विच सोग नहीं है बल्कि हर वेले आनंद दी स्थिति महाराज ने साड़ी झोली च पाई है भावें शक्तियां करामातां बाकी थाई भी ने जिवें लगातार कई दिनां तक तीरां नाल विन्या होया शरीर होण दे बावजूद भीष्म पितामा जिंदा रहे
बहुत वड्डी करामात है, छोटी गल नहीं। मामूली जिहा तिनका अख विच पै जाए ते रात नींद नहीं पैंदी, रात सुखाला क्यों सवै तिण अंदर अखी। ते तीर शरीर विच गड्ढे होए होवण ते फिर भी मनुख जिंदा रहे ते गलबात करे, बहुत वड्डी गल है। मैं अर्ज करां पर जैसे होर बहुत सारे रिसीवर ने, सन्मान योग शख्सियत ने, पर बहुतियां दियां करामातां, बहुतियां दियां शक्तियां ते बहुतियां दे युद्ध आदक अपने वास्ते ने, दूजे वास्ते नहीं। उस नाल कोई मनुखता दा, कोई सर्वसांझी वालता दा संदेश नहीं मिलता, बल्कि गल ठीक है, अपना राज वधाण लई कोई जंग कर रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई कोई ढंग अपना के, कोई कोई ढंग अपना के, पर फिर इस दे बावजूद एक भावना है मेरी रियासत, मेरा राज, मेरे लोक वध जाण। पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे घर विच ऐसी भावना नहीं भई साडा राज वध जाए, साडे तखत ताज वध जाण। इको ही गल है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा पला। दुनिया की एक ही कौम है गुरु नानक की निवाजी हुई सिख कौम, जिसका सारा जीवन सिद्धांत इन चार लफ्जा में आ जाता। पहला नाम जपना, फिर हर हाल में चढ़ती कला च रहना, फिर भाणे नू मनना, ते फिर सरबत दा भला। ये चार चीज़ां तुसी महाराज के चरणों कहते हो रोज। नानक नाम एक हो गया, दूसरा शब्द ये विच है चढ़दी कला। शुरुआत यदी नाम तो है ते समापनता महानता वाली ये सरबत दे भले विच। नाम जपना ता ही सफल है जे सरबत दे भले दी बिरती अंदर आ जाए। जे सरबत दे भले दी बिरती नहीं है, फिर पे माला फेर दे रो की फायदा। थोड़ा भला हो जाएगा जाप करन नाल, पर गुरु नानक दे सिद्धांत ते आप ता ही पूरे उतर दे हो, ता ही थोड़ा नाम जपया सफल होंदा जे सरबत दे भले दी अंदर खेड वरत दी। चढ़दी कला विच कोई भी रवे किसे नू की फर्क पैंदा, पर सिख दी चढ़दी कला ता ही सफल है जे उस दे अंदर सरबत दे भले दी बिरती है। फिर इसे तरह भाणे विच रहना भी ता ही सफल है जे सरबत दे भले दी इस दे अंदर बिरती होवे, विचार होवे। जे सरबत दे भले दी बिरती और कशिश और चाहत कारकरदगी नहीं है, तो फिर रजा विच रहना, फिर चढ़दी कला च रहना, फिर नाम जपना पूरा सफल नहीं। ये सफलता असी रोज मत्था टेक के मंगदे हां, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। ए हुण अजकल करोना कालखंड निकलदा पिया, इस विच बहुत सारे लोगों के विचार सुनन नू पढ़न नू प्राप्त होए। किधरे कोई घटना हो गई तो उसनू बड़ा वड्डा रूप दे के आख्या, लो इन्हां नू लंगर छका रहे हो, ये तो थोड़े गल पै रहे ने, थोड़ी पग ला रहे ने। इतों तक कई गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी भी कर रहे। मैं अर्ज करा ये उन्हां दा करम, उन्हां दा सुभाव, उन्हां वो करदे रवन, पर गुरु नानक का नाम जपण वाला सिख
चढ़दी कला च रहण वाला सिख, पाणे विच रहण वाला सिख, जो मर्जी हो जाए सरबत दे भले दे सिद्धांत नूं त्याग नहीं सकदा, त्यागया नहीं जा सकदा। जैसे बेड़ी दे किसे कोने विच भी कोई बैठ सकदा है, पर बेड़ी विच बैठण तो बिना वो पार नहीं उतर सकदा, वो डुब जाएगा। इस तरह जो सिट्टा लगदा है नाम नूं, चढ़दी कला नूं, पाणे विच रहण दी वडियाई नूं, जो फल मिलता है वो फल है सरबत दा भला। सरबत दा भला करन वाला कदी पाणे दा विरोध कर ही नहीं सकदा। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने अपने तन ते असह ते अकह कष्ट सहारदिआं होइआं भी ये बोल सामने रखे, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदारथ नानक मान। बहुत सारिआं विच करामातां हैगीआं ने, शक्तियां हैगीआं ने, कई चीज़ां हैगीआं ने जो आम मनुखां नालों किते ज़्यादा ने और बहुत महत्वपूर्ण ने। पर ये गल कहिंदिआं मैनूं फखर महसूस होंदा है कि सरबत दे भले दी जुगत केवल गुरु नानक दे कोल है, होर किसे कोल नहीं। पढ़ के देख लो दुनिया का इतिहास। बाबा अटल राय जी ने अपना जीवन सरबत दे भले दे सिद्धांत मुताबक दिता। उन्होंने सारा पता है भी कल की होने वाला है। अज शामी ये मोहन साढ़े नाल खेल रहा। इहदे बजुर्ग माँ बाप ने इकलौता है, उन्होंने पता है, तो फिर यह भी पता है कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की प्रतिक्रिया की होगी। इस सारी चीज़ को समझदिया होया बाबा अटल राय जी ने उसनु जिंदा किया, तो फिर अपना जीवन दे दिता। इसनु सरबत का भला कहते। मोहन को उन्होंने कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उदे परिवार तो कोई स्वार्थ नहीं। तो ऐसी महान विभूति जब संसार तो रुखसत होंदी है, तो फिर मैं अर्ज करा नाम जपण वाले हिरदिया के नेत्रां विच भी आंसू आ जाते। ये ना कहना भी गुरु घर विच क्यों आंसू आ गए, माताओं के नेत्र क्यों सेजल हो गए, गुरसिखां के नेत्र क्यों सेजल हो गए। जब ऐनी वड्डी हस्ती जाती है तो नाम जपण वालियां दे नेत्रां चों भी जल निकलता। वो तो अपने प्राण देण तक जांदे ने। जैसे बाबा गुरु अंगद देव जी दे बोल, जिस प्यारे सिउन्यो तिस आगै मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताके पाछै जीवन। ऐसा महसूस हों भई मैं क्यों रह गया, मैं चला जाऊँ, उन्हां दी थां मैं चला जांदा। पर साध संगत जिस दे जान नाल जो काम होना होंदा है वो उस नाल ही होना, दूजे नाल नहीं होना। उदाहरण दे तौर ते मैं गुजारिश करदा, एक काम प्रधानमंत्री दी मोहर नाल सफल होना है, मोहर लगेगी तां उहदी वैल्यू बनी। हुण होम मिनिस्टर आखे भई मैं मोहर ला देना उहदे तां चलेगी, डिफेंस मिनिस्टर आखे मैं उदे थां मोर ला देना, खजाना मंत्री आखे जी मैं मोर ला देना, कोई होर पंच सरपंच आखे मैं मोर ला देना। तेरी मोर दी कीमत है पर अपने खेतर विच। इसलिए जिस दी जिथे मोर लगनी है उसे दी लगनी, दूजे दी नहीं लग सकती। रीस तां बथेरे कर लैंदे दुनिया ते थानू मिल जाणे, रीसां करें तिनाड़ियाँ जो सेवें दर खड़ी। रीसां करन वाले बहुत जगह जगह थानू मिल जाएंगे, पर जिस दे जान नाल काम होना है उसे नाल ही काम होना है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी नू पता है कि जे हिंदू धर्म की राखी होनी है तो साढ़े सीस देन नाल होनी, जे किसी होर दे देण नाल हो सकदी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਪਤੀ ਸਮਰਪਣਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਵਰਨਿਟੀ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਤੌਹੀਦ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੁਐਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਮ, ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਿਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਫਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਫਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਫਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਐਸੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਖੇਡਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਦੌੜਨ ਦੀ, ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਪਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਪਾਵਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ
गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के नेत्रां विच भी जल आ गया सी। चिखा उपर जब तरी साहेब बुढ़े दे, श्री हर गोबिंद के नैन ते चल्यो नीर सने। ये जड़ा है ऐसिया शख्सियतां जब उन्हां दा शरीरक विछोड़ा आता है तो उस वेले ये अवस्था बन जाती। इसलिए कोई शंका ना करे भाई गुरु घर विच ते चढ़दी कला है ते नेत्रां जल क्यों आ गया। ये आ जाता है, प्राकृतिक है और ये मनुख का सुभाविक है। अगों सरवण करिए सारी संगत प्रेम नाल महाराज जी दे दर्शन कर रही है। तन तन माता दमोदरी जी आदिक मातावां, माता नानकी जी, सारिया जो मातावां ने उस महादेवी जी, इन सारिया दे नेत्रां विच बहुत सारिया संगतां गुरसिखां प्यारिया दे नेत्रां विच बाबा अटल राय जी दे विछोड़े नूं महसूस करदिआं जल जारी है। अगों सरवण करिए पेशतर एक बारी आखो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। सब दमोदरी आदक जी, इस तरह माता दमोदरी आदक जड़िया मातावां हन, कह कह तीर देत बहुतेई, भावे उन्हां दे नेत्रां विच जल भी है पर गुरसिखां नूं धीरज भी दे रहे। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भी धीरज दे रहे, कहिंदे ने शरीर मरण धर्मां, ये तुसी जितना चिर मर्जी जिउंदे रह लो ये फिर जाना ही है, फिर ये संसार शरीर नहीं रहे। कबीर ये तन जाएगा कवने मार्ग लाए, रहेगा नहीं भावें जिन्ना समा मर्जी 100 साल 200 साल कितनी उम्र हो जाए पर जाएगा जरूर। इसलिए इसनों किसे शुभ मार्ग ते ला, ते आपनों पुछिए शुभ मार्ग केड़ा है, कहिंदे ने या गुरमुखां दी संगत विच बैठ ते या हरी दे गुण गा। दोहां दा मतलब इक्को ही है, गुरमुखां दी संगत विच भी गुरु नाल ही जुड़ना, उहदे ही गुण गाउणे। कह संगत कर साध की, कह हर के गुण गाए, और हरी दे गुण गाउणा भी हरी दे गुण है, पर उहनां दे गुरमुखां दे जुड़िआं होइआं दे कोल बैठण नाल रंग लग जा। तिन्हां देख मन चाओ ठंडा, हों कद पाई गुणतासा, जिनी मैंडा लाल रिझाया, हों तिस आगे मन डेहिया, नानक कहे सुन बिनो सुहागण मूह दस दिखा। फिर के उन्हां दे नाल रहा ये चा बनता है, मन में उत्साह बनता है कि मैनू भी वह सुहाग बन जाए, मेरा भी हिरदा इस रंग विच रंगिया जाए। इसलिए उन्हां दी संगत महान, तो उन्हां संगियां नूं मातावां भी ते गुरु हरगोबिंद साहब भी धीरज दे रहे हन। तौ सनेह महा दुखवंती, बावजूद इस दे जिहड़ा सनेह है ना, एक तां प्रेम है नेड़ता है, जिहड़े बच्चियां नाल रोज बाबा अटल राय खेडदे होणगे उह नहीं रोंदे होणगे, जिन्हां दे घर जा जा के भाग लाउंदे होणगे उह नहीं रोंदे होणगे। भावें बहुत स्नेह भी है नेड़ता भी है, इस करके जिहड़ा है वह दुख भी है उन्हां दे जाण दा। सुत को सिमरत सोक बदंती, उन्हां नूं याद करके मन विच जिहड़ा है ना वह कष्ट होर वधदा जा रहा है। इसमें सतगुर सुन सुध सारी, इस तरह रात समय गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सब सुनिया भी सारा दिन सोगवार चेहरा रहा, छलकते हुए नेत्र रहे और लरजते हुए बोल रहे संगतां दे गुरसिखां दे ते महलां दे। ये महाराज जी नूं सारा पता है, ये गल पहुंची भी कि माहौल सोगवार बनिया होया है बाबा अटल राय जी दे जान दा। बहुत वड्डी तादाद विच हिरदिआं नूं दुख पहुँच रहा। अज भी मैं अर्ज करां उह तां गुरु के साहिबजादे ने, गुरु का रूप ने, परपकार लई प्राण दे गए। इत्थे एक झाड़ू लाउण वाले सेवक सन बाबा राम सिंह, वह गुरु के परिवार विचों भी नहीं, खानदान विचों भी नहीं,
कोई पर पुकार लिए उन्होंने प्राण भी नहीं दिते। झाड़ू लाते सिर्फ झाड़ू है तखत पटना साहब जी के वेड़े में। यह मामूली थान नहीं, यह ऐसी थान है मैं तो करोड़ों तीर्थां का सिरमौर तीर्थ कहता। इत्थे झाड़ू लाया भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जा, ये ना सोचना बई करन नाल होएगा कि नहीं होएगा। झाड़ू लाउण अपने जान की सोझी आ जा, जीवन वड्याइयां नाल भर जाता है। सारा दिन झाड़ू लाते रहे, वो संसार तो जब गए ने गंगा दियां लहरां ते बैठ के अपना शरीर त्यागया। तो मैं अर्ज करा अज तक जब उन्हों का दिन आता है संगतां के नेत्र भर जाते, प्रेमिया के नेत्रां च जल आ जा। कारण की है? कारण यह भी यहोजा प्यारा मनुख क्यों गया, वो होर रहा शख्सियत नाल जड़ा प्रेम आता है वह दो तरह का, एक स्वार्थ का ते एक मैं अर्ज करा प्रभु सिमरन का, प्रभु याद का। उन्होंने देख के जो चाह बनता चाह चढ़ता, इसलिए स्वार्थी लोगों का तो जड़ा वो जड़ा संबंध है वह कूड़ावा आता, कूड़ा ही होता है वह सुटना ही पैदा। पर जोड़ा सिमरन वाला होता है श्रद्धा वाला होता है वह हमेशा संभाल के रखा जाता है। भाई साहब जी ने वो सारा कुछ संभाल के रखा हुआ है भी इस तरह संगत महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दे लखते जिकर नूरे चशम बाबा अटल राय जी दे जानते सारा दिन बैराग कर दिया रही। जिहड़ा उहदा जिक्र करदा देखदा एक दूजे के चेहरे नूं उहदे नेत्रां जल आ जा। महाराज जी ने सारा सुन देखिया भी सारा दिन यही चलिया है। हित तीरज के गिरा उचारी ते मात जिया नूं साडे मात जी अपने महलां नूं आखण लगे भी तीरज रखो। हां जी हे सुमते ना संकट पाप, आखण लगे हे सुमतवंत पुरख स्त्री अपने महलां नूं मुखातब होण, हे सुमते हे सुमतिवंत सुमत वाले अपने हिरदे विच सोग ना करो। इसी बिदन पछताप हो, कोई पश्चाताप ना करो। इस तरह ही होना सी, जेड़ा कोई परपकार करदा है उन्हों अपने प्राण देने पैंदे। तुसी देख लो चंगियाई हो जांदे हन। यथा प्रताप जियत को होत, बाकी तुहानू दस देने आ भी जिस तरह का उन्हों का प्रताप उन्हों का जस माण वड्याई जीवदिया होनी सी। तिसते अब है विशाल अदूत, उस तो भी कई गुणा ज्यादा उन्हों की हुण प्राण जड़े ने परपकार लई देण लई होर वड्याई वध गई। उन्हों का जाना होर सफल हो गया, सफल सफल पई सफल यात्रा। उन्होंने इस तरह प्राण भेटा करन नाल होर ज्यादा विशाल उन्हों का जस उच्चा होया है। अटल राय है अटल सदाई, ते फिकर ना करो अटल राय नाम बड़ा वधिया है, बाकी सब कुछ टल टलदा है जाता है। अटल परमात्मा जुगो जुग अटल कहने हैं ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज। ते राय का मतलब है राजा, पाप परमात्मा। जेड़ा परमात्मा है अटल है सारे अनंत ब्रह्मंडा का सहनशाह है, वो सदा ही अटल है। तो उहदे विच लीन होण करके थोड़ा पुत्र अटल राय भी सदा ही अटल है, ओ किधरे गए नहीं हन। दिन प्रत वध है अधिक वडियाई, दिन प्रति दिन उन्हां दी वडियाई होर भी वधदी जाएगी। ते आदिक कह बहु समझाई, इस तरह महाराज जियां ने बहुत धीरज भरे बचन आखे। सरबंधन कह खुद पहुंचाई, सारिया संबंधियां नूं ए जड़ी खबर है पहुंचाई गई। ते भार जाते हण आए, बाबा अटल राय जी चलाना कर गए। गुरु के वंशज ने गुरु अंगद देव जी दे वंशज ते हुण गुरु अमरदास जी दे पल्ले और इन्हां दा सोढ़ी अपना परिवार गुरु नानक दे साहिबजादे सब नूं इह खबर जिहड़ी है पहुंचाई गई है भई अटल राय जी चलाना कर गए हन। अंदवाल जिते समुदाय, अपने परिवारां समेत ते हुण गुरु अंगद देव जी दे वंशज
गोइंदवाल जिन्हें सन वो सारिया संगतां भी गोइंदवाल दिया नाल आईया हन। आए नारायण दास सदारा। और इस तरह बाबा नारायण दास जी अपने महलां समेत स्त्री समेत आए हन। त्रिया सहत मिल आयो द्वारा। बाबा द्वारका जी भी अपने बच्चों समेत परिवार समेत आए हन। ले राम संग साई दास। ते भाई साई दास जी बीबी रामन जी नू नाल लैके जो गुरु हरगोबिंद साहब जी दे रिश्ते विच साड़ी लगदी संडू हन ओ भी नाल सारे अपने परिवार नू संबंधियां नू नाल लैके ते आए हन। रामा आए भार जा पास। इस तरह रामन जी अपने परिवार समेत ओ भी आए हन। जित कित ते सुन सब चल आए। इस तरह होर जिन्हां सिखां प्रेमियां नू भी पता चलिया बई इस तरह महान करामातां दा मालक अपने प्राण परोपकार लई भेटा करन वाले बाबा अटल राय दी चलाना कर गए ते फलाने दिन उन्हां दी याद विच समागम होना है। वह सब संगतां भी दूर दराज तो पहुंच गई हन। सिर गुरदित्ता जब सुध पाए। इस तरह ही बाबा गुरदित्ता साहब जी नू जद पता चलिया ओ की करत चाले सहसाए। झटपट जेड़ा है ना परिवार कोल बैठन लई आए हन उन्हां दा मन भी सुकाकल होया भी क्यों गए अजे तो उम्र ही बड़ी छोटी सी। अमृतसर के पंथ सिधाए। ये सारे भी अमृतसर दा पंथ। अमृतसर का मतलब श्री अमृतसर अमृत का सरोवर भी है ते अमृतसर का मतलब गुरु नानक भी है। दुनिया ते कोई अवतार अमृतसर नहीं होया जिहदा हिरदा अमृत का सरोवर हो अमृत का बाटा हो। वह अमृतसर सतगुर सतवादी है। वह अमृतसर गुरु नानक ने। वह अमृतसर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते हुण इस वेले मौजूद जो अमृत का सरोवर है अमृत का बाटा है भाव जिन्हां विच ईरखा वैर वकीली द्वैषता अपना बेगाना ये जहर है ही नहीं है वो अमृत का सर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी अमृत सर सतगुर सतवादी जित नातै कौआ हंस हो। सड़ा कां वर्गा मन जो दिन रात विषय विकारां दे विस्तक चुगण विच ही लग्या रहिंदा है जे अमृत सरोवर हिरदा रखण वाले अमृत सर गुरु विच भाव गुरु दे बचना अनुसार चलदिआं इशनान कर लवे पवित्र हो जावे ते फिर ये हंस हो जाए फिर मोती नाम दे चुगण वाला ये बन जांदा है। अमृतसर शहर वल नूं अमृत सरोवर गुरु हरगोबिंद साहब जी दे दर्शन करन लई संगतां धुम हुम हुमा के दूरों तो पहुंच रही हन। नत्ती लिए धीर मल गोद। और इस तरह माता अनंती जी बाबा धीर मल जी नू उन्होंने गोदी विच चुकिया होया है। आए सुदास रहीन प्रमोद। उन्हां दा मन भी जिहड़ा ना महसूसिया होया बई ये की खेड़ वरती है गुर कर मह पारुदन विशाला। इस तरह गुरु पातशाह जी दे घर विच विशाल गिनती विच संगत आई है उन्हां विचों सा संगत मैं फिर गुजारिश करना चाहता उन्हां दे आंसुआं नूं किधरे मोह दे आंसू ना समझ बई ये मोह विच जकड़े हुए अपनियां लोड़ां नूं रो रहे। आम करके ते हुंदा ना वी साडा कोई चला जाए असीं मोह विच ग्रस्त हुंदे ते असी अपनियां लोड़ां नूं रोने आ बई हाए हुण बापू चला गया हुण ऐ काम कौन करेगा। वह साडियां लोड़ां वह साडा रोना तुच्छ है पर सच जानना भाई नंद लाल कहंदे ने दो चश्म मन के दरियाए अजीम उल शान बवद गोया। प्रभु प्यारिया दे प्रेम विच प्रभु प्रेम विच दो आंसू अखां विचों निकल जाण ओ रोना ओ दो आंसू अनंत जन्मां दे पापां दी मैल नूं धो के रख दें। गुरमुखां दी याद विच गुरु दी याद विच अखां विच आंसू आ जाण ए मोह दी पकड़ जकड़ नहीं ए महानता वाले
सब नु नसीब नहीं होंदे। हां जी, पीटत मीली जाल ही बाला। और इस तरह दे नाल कुछ मातावां स्त्रियां जड़ियां ने भयानक रोदन भी कर दिया पईयां, पिट दिया हन आदक। फिर तू कारण को सुन नर नारी। इस तरह उन्हां दे जान दा कारण सुन के इहने भी चले गए ने। इस करके उन्हां दे जान दा कारण सुन के तमाम दूर दराज दे गुरसिख प्रेमी ते होर स्त्री पुरुष मतवंत जान कर भारी। सारिआं नूं जद पता चल गया भई वड्डियां शक्तियां दे मालक बाबा अटल राय जी हन, महाबली होवत जग माही। ते सारे सोचदे ने जे इन्हां दा शरीर होर रहिंदा तां इह महाबली सूरमे जगत विच होंदे। कहा जियो सो नाही। पर की करिए समा नहीं मिलिया उन्हां नूं ते जल्दी चले गए हन। अधिक सोक कर मह जब पयो। इस तरह जदों चारे पासों संगतां आईयां ते सारिआं दे चेहरे सोगवार, नेत्रां विच सेजलता, उदासी, उन्हां दे जाण दा दुख, इह तां हुंदा ही है। ओ जब देखिया महाराज जी ने तब गुरदास गुरु पठ दयो। ते फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भाई गुरदास जी महान गुरमत वेता तत्व ज्ञान दे सनास रखण वाले भाई साहब भाई गुरदास जिन्हां वर्गा दूजा सिख नहीं लभ्या जा सकता, फिर भी गुरु दा दास बन के रहे भाई गुरुदास। महाराज जी ने उन्होंने आग्या की भी जाओ यह जड़ा सोगवार माहौल बनया हो खत्म करो, संगतां नूं जाके समझाओ प्रेम नाल, उन्होंने दसो भी ये खेड है परमात्मा दी। जाए सबिन को धीरज दीना। उन्होंने सारिआं नूं जाके ते धीरज दित्ती, आख्या कोई गल नहीं, कोई सोक ना करे, कोई रोवे ना, बाणी पढ़ो। महाराज जी ने बचन सुनाए, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल न पाया। इसलिए सारे जने परमात्मा का जप करो, शुकराना करो ते धीरज रखो। नहरुदन कर बदन मलीना। और इस तरह के नाल ना कोई रोवे ते ना कोई अपना चेहरा उदास करे। जग खेती ए प्रभु करी है। कितना वड्डा समझाउण दा निराला ढंग है। आखण लगे जगत की है, पार ब्रह्म परमेश्वर दी वाड़ी है, उन्होंने खेती, उन्हां दा बाग है, उन्होंने आप लाया है, उन्हां दी मर्जी नाले जगत दी वाड़ी खिली हुई है। काची गदरी पाक खरी है। तो वाड़ी दे मालक दा अपना अधिकार होंदा है, भावें पका के फसल वड लवे, भावें गदर जेही कच्ची पक्की वड लवे, या बिल्कुल कच्ची वड़े, उहदा अपना अधिकार होंदा है मालक दा। जिसको चहे बाड कर ले तो। उहदी अपनी मर्जी है, हरी या डडरी या पक्की वड़नहार वो आप ही है। किसको सोक कर किस हित। इसलिए मालक दी जो रजा है उसका सोक नहीं करी। जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर दे किले अनंत कष्ट सह रहे बंदी राजिया नूं आजाद करन लई परपकार करन लई पहुंचे तो उस वेले भी संगतां सोका कोल सन भई कल अजे गुरु अर्जन देव जी नूं भयानक तसीहे दे के शहीद किया है ते हुण गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं किले पा दिता है। जद ये पता चलिया तां कईआं दे चेहरे उदास हो, वह कुदरती है, वह होंदे ही नहीं। ते मैं अर्ज करां फिर धन धन मात गंगा साहिब अगे आए, उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा रुको गल सुनो, गुरु सर्वज्ञ ने, गुरु सर्व विद्यत ने, गुरु यत्र तत्र ने, इसलिए चिंता ना करो। उन्हों का जिक्र भाई साहब जी ने बड़े बंदनीय तरीके नाल कीता है। आखण लगे गंगा मात है बहुत सियानी, उन्होंने कहा शोक ना करो, पढ़ो गुरबाणी, सुनो गुरबाणी, शोक ना करो। शोक निवारण, शोक एक रोग भी है, जिहड़ा शोक है ना, चिंता है, एक बहुत वड्डा रोग है, भयानक रोग है। चिंता ते ही दिशा सब कोई,
इस रोग का इलाज दवाई है गुरबाणी का पाठ। जदों थोड़ा मन कभी भी सोग विच आवे चौपाई साहब का पाठ शुरू कर लो, पर इस तरह करो जबान बोले तो कान सुन, बिल्कुल खामोशी नाल नहीं, थोड़ी आवाज भी हो ते थोड़ा प्रेम भी हो ते थोड़ी सहज भी हो। पाठ मुकाउण लई शुरू कर लिया जी मैं इन्ने कर ले जिवें कोई परमात्मा ते एहसान कर दिता, नहीं, प्रेम नाल शुकराने दे भाव नाल जब कोई बाणी पढ़े जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर लो, श्री सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू कर लो, बारहवां कर लो, सिद्ध गोस्त कर लो, ओंकार दखणी कोई बाणी का पाठ शुरू कर लो। तो ये औषधि यह जी है, बाणी का पाठ शुरू करदिया सोग निकल जाता, चिंता नहीं रहती, प्रसन्नता तारी हो जाती है, मन आनंद नाल भर जाता है, रस नाल भर जाता। उन्हें कहा सोक ना करो सुनो गुरबाणी, बैठो जाए श्री हर मंदिर बाणी पढ़ो गुरु ते अंदर, श्री हरि मंदिर विच बैठो ते बाणी पढ़ो, बाणी विच गुरु मौजूद। ये उन्होंने आख्या, इसलिए हुण भी यही बचन भाई गुरदास जी कहते पे भी बाणी पढ़ो, सिमरन करो, सेवा करो, इस नाल धीरज बनेगा। अगर आपो अपनी वारी, बाकी सारे संसार दे जितने लोग आए ने ये थोड़ा है भी साडे शरीर जाते हैं, सूरज चंद्रमा भी जाता है, धरती भी एक दिन जाती है, कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव ससियर नखियत्र गगनं। श्लोक सहस्कृति महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, कहते ने भी इस ढंग के नाल सारा कुछ घटता जा रहा, घटता जा रहा, मिटता जा रहा। असी तो रोज थोड़ा थोड़ा जा रहे हाँ, पर फिर असी कहने भाई मेरी नज़र घट गई है। कौन दसे पुरखा, नज़र ही नहीं घटी, तू आप ही घट गया। मेरी स्रोत घट गई है, हुण उच्चा सुनन लग पिया। पुरखा स्रोत नहीं घटी, तू खुद घटिया। मेरे गोड़ियां कोलों हुण चलिया नहीं जांदा, शक्ति घट गई। शक्ति नहीं घटी पुरखा, तू आप घट गया। तो जो कुछ घटदा जा रहा है डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तुसी एक चीज़ रखी सी बैंक विच, एक बैलेंस मेनटेन किया सी, पर जमा होर होया नहीं तो अगला घटन लग पिया, वरतन लग पे, फिर की होगा, मुक जाएगा। इस तरह कहिंदे ने बंदा तो खूह खा जाता, भाव वड्डियां वड्डियां जागीरां जायदादां बंदा जब खानियां शुरू कर मुक जाते। ऐसे तरह अज दृष्टि घटी है, स्रोत घटी है, चबण चलण रतन से सुनी अरे घटे ने, इहदा मतलब है तू घट गया। तू इस गल नूं समझ ते होर होर चक्करां विच ना पै। महाराज जी का फुरमान, भाई साहब कहण लगे जो जो आए ने सगरो सगरे आपो अपनी वारी। अज अखां दी वारी है, कल कन्नां दी वारी है, फिर दंदां दी वारी है, फिर गोड्यां दी गिट्टियां दी, फिर अंदरूनी सारे साढ़े जड़े शरीर दे जितने भी ऑर्गन्स ने, हिरदा है, ब्रेन है, सारे खोचले हो जाते, सब दी वारी है। सब ने ही एक ना एक दिन रुखसत हो जाना है। जात चले को तीर न तारी, सारा कुछ चला जाता है, ठहरता नहीं है। और के घर मैं सोक बिसाला, पर महाराज जी दे घर विच ये तो आनंद का घर है, ये तो बरकतां का घर है, ये तो खुशियां खेड़ियां का घर है। इत्थे इस तरह सोगवार चेहरे चंगे नहीं लगते, शरीयत नहीं रह चिरकाला। बहुता समा महाराज जी के घर विच इस तरह चेहरा बना के बैठना चंगी गल नहीं है। कहां पयो तन त्याग सिधारे, और इस तरह दे नाल कोई वड्डी गल नहीं है। बाबा अटल जी ने तन त्यागया, अज नहीं तो कल तो तन त्यागना ही सी, पर वड्डी गल है वो परोपकार, दूजे दे प्राण बचाउण लई। ते महाराज जी की आग्ञा नूं सिर मत्थे ते बिना एक अक्षर बोलिया प्रवान करन लई गए ने, ये वड्डी गल, प्रवान करके गए ने, ये वड्डी गल है। बचते नित जीवो तारे, और इस तरह दे नाल गुरु दे बचना अनुसार नित
ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਜਸ ਸਦ ਕਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਸ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰਹੇ ਅਟਲ ਜਗ ਵਿਦਤ ਵਿਸਾਲਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ बाबा अटल राय जी का जस भी वधेगा मृदुल बाक कह कह गुरुदास पर वाह वाह धन ने भाई गुरुदास उन्होंने कहण का ढंग बड़ा मृदुल है मृदुल मतलब मिठास वाला है ये नहीं भी एवें दबके मार मार के ओ चुप करो ये क्यों रोंदे हो दबके नहीं मारे कईयों मैं देखे कथा करनगे दबके मारनगे पता साढ़े नालों बहुत ज्यादा उच्चिया आत्मक बुलंद अवस्था वाली आत्मावां संगत बैठिया हो ते दबके किसनों मारने ने अगे गुरु नू संगत विच तां गुरु ही विराजमान इसलिए भाई गुरदास जी दे कोलों सानू प्रचारकां नू वक्तियां नू बुलारियां नू इह गुण जरूर मंग लेना चाहीदा है कि असी कोई गल करिए ते मिठास नाल करिए बड़ी मृदुलता नाल ये समझ के गुरु रूप ने सारे वो समझा रहे ने पर बड़े सत्कार सहज समझा रहे हैं तराई सोक विनाश और इस तरह फिर होया ए उन्होंने बचना नाल सब नू धीरज प्राप्त हो ते सोक जड़ा सी निकल गया मन आनंद विच हो गया तेरवी को तब आयो इस तरह बाबा जी दे चलाने तो बाद तेरवा दिन जद आया पंचामृत बहु करवायो महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आख्या वड्डे विशाल कड़ा प्रसाद दियां देगां तैयार करो मिठा है ना ये प्रसाद जड़ा है ये इस लोक दा नहीं है दुनिया च होर किधरे हलवा मिल जांदा पर कड़ा प्रसाद इस लोक दा नहीं जिवें अकाल पुरख दी बाणी है ना दरगाह दी तुर की बाणी आई इस तरह साध संगत कड़ा प्रसाद भी तुर तो ही आया गुरु नानक आप लैके आए होर किसे नूं मिलिया नहीं किसे नूं बेरियां दे बेर मिल गए किसे नूं होर केले छोले मिल गए ते किसे नूं मर्चां वाले छोले मिल गए जो जो मिलिया वही लियाउणा सी ना ते गुरु नानक देव महाराज नूं अकाल पुरख की बाणी ते अकाल पुरख की दरगाह विच वंडिया जाण वाला कड़ा प्रसाद मिलिया यही भेटा हुंदा एवें होर जलेबियां जलूबियां की लोड़ नहीं इत्थे होर चीज़ां की लोड़ नहीं है इत्थे जो भोग लगता है वह कड़ा प्रसाद नूं ही लगता है ते कड़ा प्रसाद की देख भेटा करके अरदास करो सफल हो जाती ये जुगत भी हैगी फिर महाराज जी ने कहा वड्डी मात्रा विच कड़ा प्रसाद की देख तैयार करो भोग ग्रंथ साहिब को पाए ते फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे बाणी का भोग पिया सारी बाणी जो उस समय तक गुरु तेग बहादुर साहिब जी के श्लोकों तो इलावा मौजूद सी वो सारा बाणी जी का पाठ होया और रबा बीचों की गाए और इस तरह के नाल फिर कीर्तन होया ये आज जो असी कर रहे हाँ ये मर्यादा आज स्थापित नहीं हुई गुरु साहब आप यही करते रहे पहले गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के भोग पैंदे हैं कोई सत दिनों में पा लैंदा है सहज पाठ अखंड पाठ की भी रीत है चलते और फिर कीर्तन होंदा है बाणी गाई जाती पहले बाणी का पाठ फिर बाणी का कीर्तन ये मर्यादा सारे गुरु घरां च अज भी है कि और चाहिए है गुरु पातशाह ने आप रची है बहुमोली बनवाई बहुत मुल दे गुरु ग्रंथ साहब जी ने रमाले बनवाए ए पढ़ लो ए विचार लो बड़े कहिंदे जी की लोड़ है जी ऐसी लाउण दी गुरु पातशाह मौजूद ने लोड़ हैगी है की लोड़ है जी महंगे महंगे रुमालियां दी लोड़ हैगी है चलो सानू इस गल दा नहीं पता भई लोड़ हैगी है कि नहीं हैगी है
असी जान बुझ के कह दईए, पर इतिहास विच ते लिखिया होया ना, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप रुमाले बेशकीमती तैयार करवाए गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते। जब भोग पैना सी, समापन तो होनी सी, अरदास होनी सी, ते रुमाले भेटा करने सन, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बेशकीमती पोशिस बहुमोली बनवाई, बड़ी महंगी पोशाक गुरु ग्रंथ साहब जी दी तैयार की। पुत्र है ते अरदास कराई, अपने पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा अटल राय जी लई अरदास करवाई, जेड़े मेवड़े सिख अरदासिए सन उन्होंने अरदास की है। सब मह पंचा मृत बरतायो, फिर जयकारा बुलाया, अरदास होई, ते फिर सारी संगत विच बुकां भर भर के कड़ा प्रसाद दियां देगा वरताइया गईयादन सकल नसायो। किसी के हिरदे रूपी घर विच ते गुरु घर, गुरु मैं गुरु का घर महल हैगा, शहनशाह दे महल तो ये कदमों की खाक भी नहीं है। सब तो वड्डा महल गुरु पातशाह का घर है। सारे घर चों ते सिखां दे हिरदे रूपी घर चों सोक तो मनो नस गया, सब आनंदित हो गए। गुर कर की मर्यादा जेती, जेड़ी गुरु घर की मर्यादा जितनी भी हैगी है, गुर करवाएस तब तेती, सतगुरु पातशाह जी ने सारी मर्यादा करवाई। कड़ा प्रसाद दियां देगां, गुरु के लंगर, महाराज जी दे पोशाके, बाणी दा कीर्तन, अरदास, ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ, ये सारी मर्यादा जड़ी वो निभाई गई इस ढंग दे नाल। हुण पर हुण इस वेले साध संगत वकत दा तकाजा है, ज़्यादा समा आप जी दा होर हुण नहीं लै सकते। मैं हुणे ही, मेरी नज़र सामने घड़ी ते पई है, 2 मिनट उपर हो गए ने, पर फिर भी मैं कई बारी आभार व्यक्त करता हाँ टाइम टीवी ते होर है संगत खालसा चैनल सारिया दा, जेड़े थोड़े पेशेंस रखते ने, ते समां जे 2-4 मिनट उपर हो जाए तो माइंड नहीं करते। मैं इन्हां दा धन्नवादी भी हूँ जो सारी दुनिया तक तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब की सराह कीर्तन रूप च कथा रूप च थोड़े तक पहुँचाते हैं। 2 मिनट का समा होर दे देवन ते आपां सारे मिल के महामंत्र गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए, फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। कोई रसना जाप तो सखड़ी ना रहे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।